नमस्कार, आइए समझते हैं कि आईवीएफ करते वक्त हमें कितना समय लगता है। देखिए, आईवीएफ प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कई सारे चरण होते हैं। जो पहला चरण है वो महिला की महावारी के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है, दूसरे या तीसरे दिन से, जिस दिन हम महिला को इंजेक्शन्स लगाना चालू करते हैं। महिला को अमूमन लगातार 9 से 10 दिन इंजेक्शन्स लगते हैं। इसी बीच उनकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, सोनोग्राफी के गाइडेंस में और कुछ ब्लड टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं। जब सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट ये बताती हैं कि फॉलिकल्स रेडी हैं, तो उन्हें लास्ट इंजेक्शन, जो ट्रिगर का इंजेक्शन है, वो प्लान किया जाता है। ट्रिगर के इंजेक्शन के 36 घंटे बाद अमूमन महिला का पिकअप किया जाता है, जो सेकेंड स्टेप है। पिकअप यानी ऊसाइट रिट्रीवल प्रक्रिया, जो बेहोशी में सोनोग्राफिक गाइडेंस में की जाती है। उस दिन जो अंडे बढ़े हैं महिला के अंडकोश में, उनको बेहोशी में बाहर निकाला जाता है। पत्नी के अंडे को पति के शुक्राणु से लैब में एक माइक्रो मैनिपुलेटर मशीन में मिलाई जाती है। एक अंडे का एक शुक्राणु से मेल कराया जाता है, जिसे इक्सी, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। इक्सी प्रक्रिया के बाद 18 से 22 आवर्स के बीच में फर्टिलाइजेशन चेक किया जाता है कि अंडे शुक्राणु मिलने के बाद कैसे भ्रूण बनना चालू हुए हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं। इस भ्रूण को इनक्यूबेटर्स में दूसरे, तीसरे और पाँचवें दिन तक बढ़ाया जाता है। पाँचवें दिन का भ्रूण, इसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट सबसे सक्षम भ्रूण माना जाता है, जिससे हेल्दी प्रेगनेंसीज आने की संभावना बढ़ जाती है। इस ब्लास्टोसिस्ट को महिला के वूम यानी यूट्रस में सोनोग्राफिक गाइडेंस में डाला जाता है, जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक कहते हैं। तो अमूमन ये जो पूरा चक्र है, जो पीरियड के सेकेंड थर्ड डे से इंजेक्शन लगाने से लेकर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होने के बाद ट्रांसफ़र तक 15 से 20 दिन का समय लेती है। जब ये सारी मॉनिटरिंग होती है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, ब्लड टेस्ट, तो कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके हार्मोन्स डिरेंज मिलते हैं, या परत उतनी अच्छी नहीं बढ़ रही हो, या उन्हें ओएचएसएस के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हों, तो उस स्थिति में हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते। उन भ्रूण को बनाकर फ्रीज कर दिया जाता है, जिसे फ्रीजिंग विट्रिफिकेशन प्रोग्राम कहते हैं। उस स्थिति में महिला का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र उस महीने ना करते हुए सब्सिक्वेंट पीरियड के बाद प्लान किया जाता है।